मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी के आने से महागठबंधन के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पहली बार बिहार आने पर हम उनका स्वागत करते हैं। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकदे आ, ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। बीजेपी कहती है कि हमने जात पात नहीं की है, लेकिन लगातार जातीय सम्मेलन कराकर वोट बैंक साधने की कोशिश की जाती है। बीजेपी के करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। पहली बार बिहार आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग तो स्वागत करते हैं, लेकिन जो जिस उद्देश्य से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ बुला रही है, उस उद्देश्य का पूर्ति नहीं होने वाला है। यहाँ जिस जाति से वो आ रहे हैं उसका यहाँ नेता पहले से विराजमान है और उनमें सभी लोगों का आस्था है। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसमें कोई जाति और धर्म के लिए नहीं किया है, सभी के लिए किया है, सभी लोग लाभान्वित भी हुए हैं, इसलिए उनका कोई असर नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कभी लवकुश का रथ निकाल रही है तो कभी जो है मोहन यादव जी को बुला रहे हैं, तो ये तो उनका दोहरा चरित्र है जिसको बिहार के लोग बखूबी समझ रहे हैं और उनका यहाँ कोई असर नहीं होने वाला है। चाहे वो मोहन यादव जी को बुला ले, किसी को बुला ले, यहाँ कोई असर नहीं होगा और यहाँ हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के जो हमारा लोकसभा का आगामी 24 में चुनाव है उसमें हम लोग सफल होंगे और 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहां से हम लोग खाता नहीं खोलने। वही मंत्री मदन सहनी ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन में सभी लोगों को बोलने की आजादी है, लेकिन एनडीए गठबंधन में किसी को बोलने की छूट नहीं है। वही सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के संकेत को लेकर कहा कि बीजेपी हमेशा ललायत रहती है कि जेडीयू को साथ लेकर चले, लेकिन अब हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी भी ये मानती है कि जेडीयू उसके साथ रहे आती है, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड को देखा देखी मना रही है और वो मना रही है, 1000-2000 लोग भी नहीं जुटेंगे। अति पिछड़ा पूरा का पूरा जनता दल यू के साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहे। वो किस सर्वे के आधार पर कह रहे हैं ये तो बता दे, लेकिन ये बात तो वो मान रहे हैं ना कि अति पिछड़ा जनता दल यू के साथ पहले थी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक अति पिछड़ा उन्हीं के साथ रहेगी। ये सीट अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया, लालू जी ने कहा कि कोई सीट बढ़ जाएगा, कोई समय नहीं, जल्दी नहीं बढ़ जाएगा, लगता नहीं कभी सीट बढ़ जाएगा। ये सवाल आप लोग सिर्फ जनता दल यू से पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी या उनके जो अलायंस के दल है उनसे भी तो जाकर के पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है, उनके साथ गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है या इंतजार में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल जुड़ा हुआ है उनको बोलने का क्षमता नहीं है। यहाँ सभी लोग अपने अपने बात रखते हैं और अपने अपने जो उनका ग्रीवांश है, जो उनका क्षमता है उसके अनुरूप हम लोग सीट सबको देंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं, निश्चित रूप से। वही सीट बंटवारे में लालू और तेजस्वी यादव के अलग अलग बयानबाजी को लेकर कहा कि दोनों नेता बता सकते हैं कि कब तक सीट बटेगी, लेकिन हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही नगर विकास विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट की घटना पर कहा कि प्रशासन तमाम मामलों को देख रही है, किसका कौन रिश्तेदार है, किन लोगों की संलिप्तता है, इस मामले पर पुलिस काम करेगी, कोई भी आरोपी है उसको पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। ये तो दोनों नेता बताएंगे ना, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निश्चित रूप से अलायंस में मिल करके काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और ये अभी कैसे बता देंगे कि 17 पर लड़ेंगे कि 18 पर लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। संख्या बढ़ भी सकता है सर, अरे बढ़ने घटने का वो तो तय करेगा पार्टी ना। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर एक आरोप लगा है कि उनके लोगों ने पटना में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बहुत पीटा है, गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। ये जंगल राज की बात हो रही है। कोई भी घटना होती है तो उसका
प्रशासन अपने स्तर से पुलिस देखती है और जो भी लोग गलत करेगा तो पकड़ाएगा, जेल जाएगा, इसमें चाहे किसी के फैमिली का लोग रहे से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उनके परिवार के लोग कल कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की भतीजे के बेटे ने गुंडे की है। अब कितना कौन किसका बेटा भतीजा इतना हम लोग को थोड़े जानकारी है, पुलिस देखेगा और पुलिस पकड़ेगा। वही राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यूपी में सरकारी छुट्टी देने को लेकर कहा कि भगवान के पास जाने के लिए किसी को कोई नहीं रोकता है, छुट्टी लेकर कोई भी जा सकता है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।